हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर राधे राधे। देखिए, आज हम ये गोपाल जी के लिए पैंट बना रहे हैं और बनाए हैं, तो जिससे ये मैं आपको पहना कर दिखा रही हूँ। तो आज मैं इसी का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, इनका लुक है। और ये जैकेट हमने पहले बनाई थी, तो ये मेरी दूसरे वीडियो में अपलोड है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये दो कलर का हमने ऊन लिया हुआ है, इसी से हम अपने कान्हा जी के लिए पैंट बनाएंगे। तो ये पैंट हमारी 7 और 8 नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत ही परफेक्ट आएगी। और ये देखिए, हमने पहले ये ऊन को ऐसे लपेट लिया है, फिर ये हम यहाँ पे एक फंदा ऐसे बनाएंगे इस तरह। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 38 चैन बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए हमें इसे ढीले हाथ से ही बनाना है, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट। तो इस तरह हम इसको 38 चैन यहाँ पर हम बना लेंगे। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, चलिए मैं ये बताती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 38 चैन बना ली है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन और बनाएंगे, तो इस तरह टोटल हमारी 40 चैन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम 2 चैन छोड़ेंगे और तीसरी चैन पे हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक बार हमने निकाल दिया 2 फंदे, दूसरी बार भी 2 निकाल दिया, तो ये हमारा यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमारा बन गया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 निकाला, फिर 2 निकाला, तो इस तरह हमारा यहाँ पर टोटल 1 चैन वाला हिस्सा हमारा डबल क्रोशिया हो गया। और ये इस तरह हमारी 4 डबल क्रोशिया बन गई हैं। अब पूरे में हम इसी तरह डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो हमें यहाँ पर 38 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमने 38 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब दूसरी लाइन में हम क्या करेंगे कि हम ये अपना व्हाइट वाला ऊन लगाएंगे। तो इस तरह हम ऊन लेंगे और इसको यहाँ पर हम यहाँ पर चैन बना लेंगे। और फिर हम ये नीचे वाले ऊन से इसे खींच करके टाइट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा साइड में ऊन निकला हुआ है, इसे हम साथ में ले लेंगे और यहाँ पर इसे रिमूव करते हुए डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हमने 1 2 चैन बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये 2 निकाला, फिर ये 2 निकाल दिए। इस तरह हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम तीसरे वाले में भी इसी तरह इस ऊन को दबाते हुए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, ये हमारा 4 हो गया। तो इसी तरह हम इस ऊन को उसमें रिमूव करते हुए बना लेंगे और ये पूरी लाइन हम बना लेंगे डबल क्रोशिया की। अब हम इसको ये पूरा बना लेंगे। उसके बाद बना लेने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आगे। पूरे में यहाँ पर हमें टोटल 5 लाइनिंग बनानी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 5 लाइनिंग कंप्लीट कर ली है।
दो वाइट की, दो पिंक की और एक ऊपर पिंक की। तो इस तरह हमारी ये पांच लाइन तैयार हो गई है। अब हम बीच में यहाँ पर हमारे पास 38 डबल क्रोशिया है। इस तरह हमारे पास यहाँ पर 38 डबल क्रोशिया है। तो हम इसका हाफ करेंगे 19। तो हम एक साइड में 19 डबल क्रोशिया यहाँ पर बुनेंगे वाइट कलर के ऊन से। चलिए मैं ये बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 19 डबल क्रोशिया बुन ली है और आधा मैंने इधर छोड़ दिया है, 19 इधर छोड़ दिया, यहाँ पर मैंने 19 बना लिया है। अब हम इसे यहाँ पर इसे दोबारा यहाँ पर दो चैन बनाएंगे और यहाँ से हम फिर स्टार्ट करेंगे। अब इसके ऊपर हम ये पूरा फिर बुन लेंगे। और हाफ करने के बाद हम यहाँ पर तीन लाइनिंग बनाएंगे, दो वाइट की और एक पिंक की, यानी टोटल हमें तीन लाइनिंग यहाँ पर बुननी है। ये देखिए मैंने इसको बुन लिया है, दो वाइट बुना है, एक पिंक बुना है। अब इसे हम यहाँ पर उनको कट कर देंगे और इसे यहाँ पर गांठ लगा देंगे इस तरह। अब बीच में हम फिर ऊन लगाएंगे वाइट कलर वाला और सेम इसी तरह हम इधर भी बुन लेंगे। ये मैंने यहाँ पे फंदा लगा लिया है और अब हम यहाँ पर सेम उसी तरह यहाँ पर भी बुनाई करेंगे। और इस ऊन को हम नीचे रिमूव करते हुए बुनेंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ का सेम तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर हम साइड से इधर सिलाई करेंगे और इधर ऐसे बी शेप में हम इसको सिल देंगे और ऊपर के हिस्से में तीन लाइनिंग छोड़ देंगे, बाकी के एक हिस्सा हम ऊपर की तरफ सिलाई कर देंगे। तो चलिए मैं सिल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास स्वेटर सिलने वाली सुई हो तो आप ऊन से सिल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये चार परत करके धागे को डाल लिया है और उसी से सिल लूँगी। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट
और शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरह हम इसे सिल लेंगे और ये अब हम ऊपर की साइड भी यहाँ पर इतनी दूर तक इसे भी सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मैं सिल करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ सिल लिया, अब इसे हम सीधा करके देखते हैं। ये देखिए हमारी ये पैंट तैयार हो गई है। अब ऊपर की साइड हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ऊपर एक डोरी बना करके डाल देंगे ताकि पहनाने के बाद हम इसे अच्छे से कमर की फिटिंग से इसे बांध देंगे। ये देखिए हमने ये डोरी भी डाल ली है और ये हमारी पैंट तैयार हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।